Hello students, I am Satya Prakash, your maths teacher. In this video will be study of chapter 1, exercise 1.1, your question number 3. At Srinagar temperature was minus 5 degree centigrade on Monday and then it dropped by 2 degree centigrade on Tuesday. सोमवार को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार को टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप्ड हो गया, यानी कि कम हो गया. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? मंगलवार को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या था? On Wednesday, it rose by 4 degree centigrade. बुधवार को टेम्परेचर 4 degree centigrade बढ़ गया. What was the temperature on this day? बुधवार को टेम्परेचर कितना था? तो ये स्टूडेंट्स हमें बताना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या क्या दे रखा है. हमें दे रखा है कि मंडे को जो है वो श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड था. तो यहाँ हम राइट करेंगे, ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो देन टेम्परेचर जो है ट्यूसडे को कितना हो गया, देखिए टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू, दोनों के टेम्परेचर को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो गया -5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ से टेम्परेचर कम हो गया, माइनस का साइन आएगा, दोनों को माइनस प्लस कर लेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड. अब देखिए दोनों वैल्यू जो है माइनस की हैं, तो नंबर तो ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, -5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड. ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था श्रीनगर का -7 डिग्री सेंटीग्रेड था. अब देखिए स्टूडेंट्स, वेडनेसडे को टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया. कितना बढ़ गया स्टूडेंट्स, 4 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप इज इक्वल टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इज इक्वल टू, अब देखो जो ट्यूसडे को टेम्परेचर था ठीक है -7 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है प्लस कर देंगे, तो देखिए हमारे पास टेम्परेचर आया, देखिए ये माइनस के 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है प्लस के, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वाले का साइन आता है, 7 में से 4 माइनस के तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड.
तो स्टूडेंट्स जो वेडनेसडे को टेम्परेचर था -3°C। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा है कि उस दिन जो है टेम्परेचर कितना था, तो हम राइट करेंगे 10। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज, ट्यूसडे को टेम्परेचर था -7°C एंड और वेडनेसडे को टेम्परेचर था -3°C रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5,000 meters अबव द सी लेवल। अब देखिए एक प्लेन यानी एक हवाई जहाज सी लेवल से यानी समुद्र तल से 5,000 meters की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा है यानी उड़ रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एक्जैक्टली अबव ऑफ सबमरीन फ्लोटिंग 1,200 meters बिलो द सी लेवल। एक पर्टिकुलर पॉइंट से पॉइंट पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1,200 meters नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। व्हाट इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की डिस्टेंस कितनी है यह हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारा जो है पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से जो है सी लेवल से ऊपर जो है 5,000 डिस्टेंस पर प्लेन उड़ रहा है और इस सी लेवल से जो इस पॉइंट से 1,200 meters नीचे जो है ये सबमरीन यानी कि पनडुब्बी तैर रही है। तो हमें जो है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स किस टाइप से हम फाइंड करेंगे, यहाँ पहले जो गिवन है हम वो पहले राइट कर लेते हैं। हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द सी लेवल इज इक्वल टू 5,000 meters फ्लोटिंग ए सबमरीन विलो द सी लेवल इज इक्वल टू 1,200 meters। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन
एंड द सबमरीन। इजिकल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जो है हमारा प्लेन उड़ रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है नीचे सबमरीन तैर रही है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 5000 है और इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है 1200 है, और हम इन दोनों को जो है इस पॉइंट से दोनों को प्लस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। देखिए 5000 प्लस 1200 इज इक्वल टू, अब दोनों को प्लस कीजिए, 0 0 2 और 5 6 6200 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीस इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल्स 1642 रुपीस फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीस डिपॉजिट करता है यानी जमा करता है, और अगले दिन नेक्स्ट डे उसमें से 1642 रुपीस विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। इफ ए विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए निगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। यदि खाते में से निकाली गई राशि को निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो अकाउंट में जो शेष राशि है उसे फाइंड कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोहन के अकाउंट में जो है 2000 रुपीज डिपॉजिट है और वो नेक्स्ट डे 1642 रुपीज निकाल लेता है, और निकालने वाले रुपीज को जो है हम निगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। डिपॉजिट अमाउंट है 2000 रुपीस और विड्रॉल अमाउंट है 1642 रुपीस। तो बैलेंस कितना है उसके अकाउंट में, बैलेंस इज इक्वल टू 2000 में से माइनस कर देंगे 1642 रुपीस, 2000 में से 1642 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ रह गए 9, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 1 में से 1 गया तो 0, तो उसके अकाउंट में बैलेंस बचा 358 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता गोस 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता पॉइंट ए से ईस्ट की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। सी मूव्स 30 किलोमीटर टू वर्ड्स वेस्ट
अलोंग द सेम रोड, उसी सड़क के, अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की डिस्टेंस वेस्ट की ओर तय करती है। इफ द डिस्टेंस टू वर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाई ए पॉजिटिव इंटीजर, इफ ईस्ट की साइड तय की गई डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट की जाती है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू वर्ड वेस्ट, तो पश्चिम यानी वेस्ट की ओर तय की गई डिस्टेंस को आप कैसे निरूपित करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए, पॉइंट ए से उसकी फाइनल डिस्टेंस को किस इंटीजर से निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स किस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब रीता जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है और बी से जो है फिर 30 किलोमीटर चलती है। तो हमें बताना है कि उसका लास्ट फाइनल जो पोजीशन है ए पॉइंट से वो कहाँ है। देखिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 20 किलोमीटर है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी से सी जो है वो 30 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। अब देखिए 20 यहाँ से इधर चले, 20 में से जो है 30 को माइनस कर देंगे तो ये बची हमारी डिस्टेंस -10 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये -10 कैसे आए, क्योंकि जो है 30 की वैल्यू ज़्यादा है और प्लस की वैल्यू कम है, तो साइन जो है वो ज़्यादा वाले का आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन ज़्यादा वाले कितना है, माइनस है, तो इसलिए माइनस आया, ठीक है। 30 में से 10 माइनस कर दिए, वो 20 माइनस कर दिए स्टूडेंट्स, तो बचे हमारे -10 किलोमीटर। तो यहाँ राइट करेंगे स्टूडेंट्स, दस रीता इज एट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए टू सी इज -10 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।